बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है। आज हम बात करेंगे कि लड़का या लड़की अगर शादी करनी है तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारे पास तो आजकल अजीब क्राइटेरियाज बने हुए हैं और फिर बाद में तलाक़ें हो जाती हैं, मसले हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, उनको जो ना कैसे ओवरकम किया जाए। तो देखिए, मेरा आपको एक मशवरा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक चीज़ जो ना वो अपने स्पाउस के अंदर ज़रूर देखें बिफोर सेलेक्टिंग हिम आर हर। आपको एक चीज़ उनके अंदर ज़रूर देखनी चाहिए, वो ये है कि उनके अंदर खौफ़े खुदा कितना है, वो अल्लाह से डरने वाला कितना है। ठीक है, ये नहीं होता है यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, तौबा तौबा तौबा, ये अल्लाह से डरना बनना नहीं होता। अल्लाह से डरना जो है ना वो अमली तौर पे नज़र आता है, वो फिर काम करता है तो लगन के साथ करता है, उसको अंदाज़ा है कि अल्लाह देख रहा है। वो फिर अगर कहीं पे रिश्ता निभा रहा होता है वो भी अल्लाह से डर रहा होता है, जुल्म नहीं करता वो बंदा, फिर डरता है, को पता है कि ये फिर पकड़ होगी, मुझे भरोसे क़यामत जो है ना हर हिसाब देना है, वो एक ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। वो कुरान पाक की एक आयत है ना, वमई अमल मिसकाल ज़र्रतुन खैरन यरह, यानी जिसने भी मफहूम है, जिसने भी ज़रा बराबर खैर किया होगा उसको उसका अजर दिया जाएगा, जिसने ज़रा बराबर भी जो है ना वो गलत काम किया होगा, जुल्म किया होगा, तो उसका बदला होगा। ये हम जो बैठ के यहाँ सीना तान के घूम रहे हैं, चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये परोज़े क़्यामत जब हम खड़े होंगे ना, एक एक ज़र्रे काम से हिसाब होगा। ये जो हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, जो रॉन्ग आते हैं, ठीक है, फटाके फोड़ते हैं, ठीक है, और लोगों को खामखा जो है गैर ज़रूरी ओवरटेक करते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, या यहाँ पे बहुत रश है, या गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, आप हॉर्न बजा रहे हैं पाँ पाँ पाँ, तो ये और भी बहुत सारी हरकतें हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम समझ लेते हैं। या घर में अगर ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर अगर मर्द हज़रात हैं वो खामखा रोब जा रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारे मामले आते हैं। यानी इस माशरे में रहते हुए हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हम समझते हैं कि हमें, यानी हमें अल्लाह का वो नज़र आ रहा होता है, उसको तो अल्लाह का डर ही नहीं है, ये सिर्फ बोल रहा होता है यार मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, अल्लाह बड़ा है अल्लाह, लेकिन अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहा। अगर ये मैं मान लूँ ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, तो मैं कभी भी, यानी मिसाल मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी भी क्लास ना छोड़ूँ, मैं कभी भी अपनी जो टाइमिंग है 9 to 5 वाली, उसको जो ना वो ऐसे उसमें दरमियान में से ऐसे निकलना हो। यानी अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो तो अल्लाह से डरने का मकसद ये है कि आप जो है वो ऐसे काम करोगे जो आपको पता है कि कल कुरान पाक में क्लियर लिखा हुआ है, एक ज़र्रा बराबर शर का हिसाब दिया जाएगा, एक ज़र्रे बराबर खैर का आपको बदला दिया जाएगा। तो आपको किसी भी बंदे के साथ रिश्ता बनाने से पहले उसके अंदर ये चीज़ देख लें कि उसके अंदर खौफ खुदा कितना है, और खौफ खुदा का जो मामला है वो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ कर दिया है कि उसके देखें, उसके रहें लाइफ स्टाइल, उसके काम, उसके हरकतें, उसका आना जाना, मुल्की कवानीन, शरई कवानीन, कंपनी के कवानीन को वो कितना फॉलो करता है। ठीक है, भले CCTV जो है ना वो हर जगह नहीं लगा होता, लेकिन एक CCTV हमारे पर मुस्तकिल लगा हुआ है, बींग ए मुस्लिम हमारे पर एक CCTV ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम वो CCTV को इग्नोर नहीं कर सकते, दो बंदे यहाँ बैठे हुए दोनों कंधों पे, ठीक है, तो ये हमारे ऊपर एक पूरा CCTV सिस्टम लगा हुआ है जो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, हर हरकत हमारी नोट कर रहा है। तो जब कल मैं ज़िंदगी गुजार के फिर जब जाऊँगा बरोज़ क़यामत, तो एक एक चीज़ मेरे सामने खोल के रखती जाएगी, अब लजीज तुमने ये वाला काम गलत किया था, ये वाला काम गलत किया था, यहाँ पे आपने ये गलत किया था, यहाँ पे आपने ये गलत किया था, और फिर मेरे पास क्या जवाब होगा। तो देखें, अगर बंदा इस चीज़ का ख्याल रख रहा है कि उसको मरना है और उसको अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर है, तो वो डर नज़र आएगा,
ऐसे जबानी जबानी नहीं, तो बात ये ड्रामेबाजी है, ठीक है, या तस्बीह घुमा रहा है, ठीक है, या यहाँ पे माथे पे यहाँ पे निशान पड़ जाए, लेकिन वो अमली तौर पे काम सारे उल्टे, तो ये अल्लाह से डरना नहीं है, ये फिर ड्रामेबाजी है। हाँ, अगर वो बाकी काम कर रहा है, फिर तस्बीह भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, वो पर समझ में आता है, लेकिन बाकी सारे उल्टे काम, रिश्वत लेके साइड पे रखी है और अब कह रहा है नमाज का टाइम हो गया है, मैं आ रहा हूँ, ये इस पर ड्रामेबाजी है। वो अल्लाह से नहीं डर रहा, वो अल्लाह से नहीं डर रहा। तो किसी बंदे के साथ रिश्ता कायम करने से पहले देखने के अल्लाह से डर कितना डरता है। अगर वो अल्लाह से डरता है ना, आँखें बंद करके अगर वो आपको बंदा समझ में आ रहा है, ख्यालात मिल रहे हैं, तो उनके साथ रिश्ता जोड़ दें। अगर वो नहीं डर रहा, तो ऐसे बंदे को सलाम अलैकुम, आप अपने खर्चे पे खुश रहें, हम यहाँ खुश हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको एटीट्यूड अपनाना होगा। थैंक यू वेरी मच।